हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज मैं आप सभी लोगों को गिवन के इस फोर्थ एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आप लोगों में से जिस किसी ने भी हमारे गिवन के पहले तीन एपिसोड्स नहीं देखे हैं, उनके लिए हम लोगों ने लिंक ऊपर शेयर कर दिया है। और आज हम लोग गिवन के अंदर चलेंगे उसी पहले रास्ते से और वापस आएंगे किसी दूसरे रास्ते से। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज गिवन के अंदर चलेंगे उसी पुराने रास्ते से जिससे लास्ट टाइम गए थे, लेकिन हम लोग सामने से होकर किसी दूसरे रास्ते से घूमकर बाहर आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगले जो एपिसोड्स आने वाले हैं गिवन के, उसमें हम लोग बटरफ्लाई के ऊपर खासकर ध्यान देंगे। तो इस लेफ्ट रास्ते से हम लोग जाएंगे और वापस आएंगे कुछ इस तरीके से। इधर से अंदर जाकर दाहिने साइड से घूमकर हम लोग मेन रोड में वापस निकलेंगे। तो इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए आज हमें क्या क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। जैसे ही हम लोगों ने अंदर जाना शुरू किया तो हमें एक पेड़ के बेल से कुछ ड्रैगन फ्लाइज चिपके हुए मिले। काफ़ी सुंदर दृश्य था और फिर उनका एक मैंने फ़ोटो खींचा, जिस फोटो के चलते देश और विदेश में मुझे कई बार सम्मान मिला। और फिर वहां से आगे बढ़ने लगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये फॉरेस्ट गार्ड का पुराना सा सफ़ेद रंग का एक मकान है। जब हम लोग उसके अंदर गए तो हमें वहाँ टोके गेको मिला। ये प्रजाति हम इंसानों के कारण लुप्त होने के कगार पर है। अच्छे से ढूंढने पर अंदर हमें कई और गेको अंडों के साथ मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, इंटरनेशनल मार्केट में एक 300 ग्राम का गेको $2 मिलियन पर बिकता है। जी हाँ, हम इंसानों के कारण ही ये प्रजातियाँ आज खतरे में है। और वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में वो मिला जो शायद ही आप लोगों में से किसी ने कभी देखा होगा। जी हाँ, इसे स्टिक्ट इंसेक्ट कहते हैं। ये नर है। स्टिक्ट इंसेक्ट के मादा नर के मुकाबले काफ़ी मोटी होती है और कईयों के तो फोल्डेड पंख होते हैं। मादाएं स्वयं प्रजनन करने की क्षमता रखती है, इसलिए 800 मादाओं के मुकाबले एक नर होता है। आप देख सकते हैं ये एक मादा स्टिक इंसेक्ट है, बहुत सुंदर प्रजाति है। और फिर वहां से हम लोग धीरे धीरे आगे जंगल के अंदर की ओर बढ़ने लगे तो रास्ता हमें कुछ बंद सा मिला। एक पेड़ गिरा हुआ था तो उसके बगल से होकर आगे बढ़ने की हम लोगों ने ठानी। तो जैसे ही हम लोगों ने इसके बगल से होकर आगे बढ़ा ही था तो हमें ज़मीन के ऊपर वो चीज़ मिला जिसे लोग पेड़ों में खोजते हैं। जी हाँ, स्लो लोरिस। ये फ़ोटो मेरे दोस्त अमर बरुआ ने खींचा है, बहुत ही सुंदर है, पर इनकी प्रजाति खतरे में है अभी वनांचल घटने के कारण। तो हम लोग जब भी साथ चलते हैं अंदर कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि वहाँ मौजूद जानवरों को हमसे कम से कम खतरा महसूस हो। कुछ और चीज़ों की तलाश करते हुए हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर वो पानी के स्रोत तक पहुँचे जहाँ अक्सर बारिश के मौसम में पानी से भरा रहता है लबालब ये जगह। यहाँ से वापस मोड़कर अंदर जाने वाले रास्ते की ओर हम लोग जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक हमें कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। वहाँ से आगे बढ़ने पर हमें गिवन का एक फैमिली मिला। ये मेल गिवन है काले रंग का और फीमेल गिवन गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। और फिर वहाँ से हम लोग वापस मुड़ गए, तभी गार्ड ने हमें खुजली वाले पत्तों से बचने के लिए इशारा किया। और फिर वहाँ से धीरे धीरे हम लोग वापस आते हुए उस अंदरूनी रास्ते की तरफ आगे बढ़ गए जहाँ से होकर हमें दूसरी ओर निकलना था। इस तरीके से जंगल में कई बार मैं अपने फैमिली के साथ में भी आया हूँ, अच्छा लगता है, हर दिन कुछ ना कुछ नया रहता है। ये मेरी फैमिली है, बच्चों के साथ, बीच में गार्ड बरुआ जी हैं और साथ में ये गार्ड और ये मेरे फ्रेंड प्रताप कुमार बेहरा जी। अच्छा लगता है जब भी हम लोग साथ इस तरीके से जंगल के अंदर आते हैं और हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे ही हम लोग जाने लगे तो एक सुंदर सा पेड़ के ऊपर ये मिला हमें और वहाँ से आगे हमें एक ये मिलीपेड मिला। ये वो आम हमारे घरों में पाया जाने वाला छोटा वाला मिलीपेड नहीं है, ये वो बड़ा वाला है, एक कलम के साइज़ से बड़ा साइज़ है इसका। हम लोगों ने उस दिन देखा कि यहाँ जो भी चीज़ें पाई जाती है बहुत बड़ी बड़ी होती है साइज़ में। और इसे यहीं छोड़कर जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमें एक निचला सा हिस्सा मिला जो पानी के नाले सा था जिसमें से होकर हमें आगे गुजरना था। तो जैसे ही हम लोग नीचे गए तो हमें वो दिखा जिसका बहुत इंतज़ार था। तो बागा कुछ हमें तेंदुआ तो नहीं मिला, पर उस नाले की गीली मिट्टी में हमें तेंदुआ के पैर का निशान मिला जो ये बताता है कि थोड़ी ही देर पहले शायद ये यहाँ से गुजरा होगा।
और फिर वहाँ से हम लोग धीरे धीरे संभाल कर साथ इकट्ठे आगे बढ़ने लगे। और फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें पेड़ों के बीच आर्कुआटा नाम का एक स्पाइडर मिला, जिसके पिछले हिस्से में दो एंटीना जैसा बना हुआ था, ये देखिए। और फिर वहाँ से जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो एक पेड़ गिरा हुआ था, तो हमें नीचे से होकर निकलना पड़ा। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से होकर आगे निकले तो आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है जंगल के बीच इस टाइप का कुछ एडवेंचर सा फील होता है कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते चले गए तो ये ची करके जो आवाज़ आता है वो हमें सुनाई दी, और वही एक पेड़ पर बैठा हुआ मिला। जी हाँ, ये सिकाडा कहलाता है, जिससे ये आवाज़ें जंगल में आपको सुनाई देती है। और फिर आगे बढ़ते हुए हमें वो दिखा जिसका अक्सर इंतज़ार रहता है, खोज रहती है। जी हाँ, ये पील मिलीपेड कहलाता है। बच्चों ने खूब मस्ती किया, इसे अपने हाथ में उठाया, छूने पर यह गोल हो जाती है और अपने नाजुक पेड़ों को अपने सख्त त्वचा के अंदर छुपा लेती है। और फिर इसे हमने एक पत्ते के ऊपर छोड़ दिया और देखते ही देखते ये धीरे धीरे खुला, अपने नाजुक पैरों को निकालते हुए वापस मुड़कर चलने लगा। बहुत अच्छा लगा देख कर कि इस तरीके से भी चीज़ें ज़मीन में रेंगती हुई पाई जाती है। सचमुच इन सब चीज़ों का संरक्षण तभी हो पाएगा अगर हम लोग वनों का सही ढंग से संरक्षण करते हैं। पेड़ काटना और वनों को उजाड़ना हमें रोकना होगा, तभी इस तरीके की चीज़ें हमें अक्सर पास दिखाई देने लगेंगी। बहुत अच्छा लगा, मन ही मन काफ़ी खुश हुए हम लोग। और फिर उसे उसी हालत में, उसी माहौल पे उसे छोड़कर धीरे धीरे हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। बाय बाय बाय। और फिर मेन रोड पहुँचे। बड़ी सड़क से होकर जैसे जैसे हम लोग वापस आने लगे तो हमें रास्ते में एक लंबा सा अर्थवर्म मिला जो लगभग 3 फुट लंबा था, और इसे मेरे फ्रेंड प्रताप कुमार बेहरा जी ने हाथ से उठाकर सही ढंग से सड़क पार करवा दिया। लेकिन बगल में हमें वहाँ एक माबुया मिला जो स्किंग के नाम से भी जाना जाता है। और फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ से आप परिचित रहें। और बटरफ्लाइज़ के बारे में जानने के लिए हमारे गिवन के आने वाले एपिसोड्स को आप ज़रूर ज़रूर देखें। धन्यवाद।